वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है वन जीरो टू उसकी जो है पावर क्यूब है क्वेश्चन हमारे पास क्या है वेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज हमने वैल्युएट करना है आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है नाइनटी नाइन का जो है हमारे पास क्यूब था इसमें हम वन जीरो टू का जो क्यूब है उसको सॉल्व हैं तो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट है हम यहाँ पर लिख लेते हैं वी कैन राइट वी कैन राइट वन ज़ीरो टू एस हंड्रेड प्लस टू ठीक है हाँ वन जीरो टू को हंड्रेड प्लस टू ऐसे लिख लेते हैं हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड में टू को प्लस करने तो वन जीरो टू आता है जैसे यहाँ पर नाइनटी नाइन है तो हंड्रेड में से वन को माइनस करने पर हमारे पास नाइनटी नाइन आता है यहाँ पर देखिए जैसे हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना था आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना था तो वन जीरो थ्री मल्टीप्लाई वन जीरो सेवन था तो उसको भी हमने लिख लिया हंड्रेड प्लस थ्री और इसको हंड्रेड प्लस सेवन ठीक है और हमने इसको लिख लिया अब यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी यूज़िंग आइडेंटिटी आइडेंटिटी कौन सी हमने यूज़ करनी है यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब ठीक है यहाँ पर हमारे पास ये प्लस है सेंटर में इसलिए x प्लस वाई का होल क्यूब यहाँ पर हमारे पास माइनस था तो हमने x माइनस वाई का जो होल क्यूब है वो आइडेंटिटी यूज़ की थी और x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल होगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई सही अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने वन ज़ीरो टू का जो है क्यूब फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर वन जीरो टू का होल क्यूब भी लिख लेते हैं और यहाँ पर अब हमारे पास x प्लस वाई है ना और यहाँ पर यह 100 प्लस टू है तो इसका क्या मतलब है x 100 के इक्वल और y किसके इक्वल है टू के इक्वल है यहाँ पर साइड पे पेंसिल से लिख भी लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि मेरे पास क्या है x 100 के इक्वल है तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ एक्स इज इक्वल टू है और वाई मेरे पास किसके इक्वल है टू के सही तो अब मैं यहाँ पर इसमें पुट करूंगी तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम हंड्रेड लिखते जाएंगे जहाँ वाई है वहाँ पर टू लिखते जाएंगे तो एक्स इक्वल टू हंड्रेड है तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास हंड्रेड और हंड्रेड एक्स के ऊपर क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब भी आ जाएगा प्लस का प्लस आ जाएगा वाई हमारे पास किसके इक्वल है टू के तो यहाँ पर टू आ जाएगा और यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा और प्लस का प्लस आ जाएगा थ्री का थ्री है एक्स और वाई है हमारे पास है? तो एक्स हमारे पास किसके इक्वल है हंड्रेड के और जो है वाई हमारे पास किसके इक्वल है टू के और यहाँ पर क्या एक्स प्लस फाइव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हंड्रेड प्लस टू और यहाँ पर क्या आ जाएगा हंड्रेड क्यूब है तो हंड्रेड क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा टू ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पर क्यूब है तो इसका क्या मतलब है सिक्स जीरोज़ आ जाएंगे टू टू और यहाँ पर टू ठीक है सिक्स ज़ीरो साथ आ जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस टू का क्यूब क्या होता है टू इंटू टू इंटू टू क्या होता है एट तो यहाँ पर एट आ जाएगा प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा थ्री टू जार सिक्स आ जाएगा और थ्री टू जार सिक्स ऐसे कर लें या हंड्रेड थ्री जार क्या होता है थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड को टू से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है सिक्स हंड्रेड आ जाता है ठीक है इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है या ऐसे कर लें थ्री टू हज़ार सिक्स और सिक्स को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करें सिक्स हंड्रेड आ गया और यहाँ पर इसको एज इट रहने देते हैं हंड्रेड प्लस टू को यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम्स ज़ीरो आ गया यहाँ पर एट का एट आ जाएगा सिक्स हंड्रेड को हमने हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है तो सिक्स वन ज़ार सिक्स आ गया ये टू जीरो ज़्यादा ये टू ज़ीरो जन तो यहाँ पर फोर जीरोज़ आ जाएंगे और हम सिक्स हंड्रेड को टू से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है ट्वेल्व हंड्रेड सही है सिक्स टू ज़ार ट्वेल्व आ गया और टू जीरोज़ आ गए अब हम इन सब को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है हमारे पास प्लस करने पर आता है वन ज़ीरो सिक्स वन टू ज़ीरो एट ठीक है एक दफ़ा देख लें यही आता है वन का वन एक ज़ीरो है फिर हमारे पास ये सी सिक्स थाउजेंड है सिक्सटी थाउजेंड ठीक है और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा फिर वन ट्वेंटी और यस ठीक है बिल्कुल सही ठीक तो होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर